पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए छात्रों ने 300 फीट लंबी फ्लैक्स पर पेंटिंग बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत 63% था। इस तरह के प्रयासों से ये प्रतिशत इस बार 75 होगा। छात्रों के ये प्रयास सराहनीय है। मतदान हमारा अधिकार है, मतदान जरूरी है जैसे स्लोगन देकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की पहल की है। इस दौरान मतदान जागरूकता के लिए छात्रों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। 300 फीट की पेंटिंग बनाकर बच्चों ने मतदान के लिए सभी को जागरूक किया। अर्थ गुप्ता सर, अत्यंत श्रद्धा के साथ सर, इस पेंटिंग में हमने संदेश दिया है कि हमें वोट देना जरूरी है और वोट देना उसको जो अच्छा हो, जो अच्छा नेता हो और जो गरीबों की सहायता करे, उसका मैसेज है कि वोट यहाँ हमने लिखा है कि वोट थाना है हमने लिखना, तो वोट देना जरूरी है और हर व्यक्ति को देना जरूरी है वोट। कम से कम सर ऐसी 20-25 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और मतलब कई सारी पेंटिंग्स बनाई हैं सर, पोस्टर भी बनाए हैं, फ्लैग्स भी बनाई हैं और स्टैंड पे भी करा है, बैनर बनाया है बहुत सारे बच्चों ने। देखिए जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आगामी समय में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो 2017 और 2019 के 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें हमारे जनपद का जो वोटिंग परसेंटेज था 66 था। हम लोगों की मंशा यह है कि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण अभियान में भागीदारी करें। इसके लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम चला रखा है वोटर्स के अवेयरनेस के लिए। उसी के तहत आज चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद के इस प्रांगण में आप देख रहे होंगे कि यहाँ के टीचर्स के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से अवेयरनेस का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम किया जा रहा है। लगभग 300 फीट की इन लोगों ने फ्लैक्सी तैयार किया है जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार को समझें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से मैं चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रबंधक जी, यहाँ के प्रधानाचार्य जी और जो टीचर्स इसमें प्रतिभाग किए हैं और जो बच्चों ने प्रतिभाग किया वो सभी बधाई के पात्र हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप इतना भव्य और इतना बेहतर कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से काफ़ी दिनों की मेहनत इस कार्यक्रम में बच्चों की दिख रही है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से इन सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यहाँ के नागरिकों से भी अपील करूँगा कि सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किए जा चुके हैं, अभी भी अगर कोई बच गया होगा 5 जनवरी के बाद वो पुनः अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है और अपने मतदान के अधिकार का, जब भी आगे निर्वाचन के कार्यक्रम घोषित होंगे जनवरी माह में जो कि संभावना है, तो अपने मतदान के अधिकार का लोग उपयोग करेंगे। और लास्ट टाइम में हम लोगों ने 66% यहाँ का परसेंटेज था, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि इस बार हम लोग 75% से ऊपर मतदान प्रतिशत को लेकर के जाएँ। देखिए निर्वाचन आयोग की निगाह में हर वोटर का वोट महत्वपूर्ण है और सबको समान अधिकार है, चाहे दिव्यांग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, जो भी 18 साल के ऊपर के हैं, एक वोट और सबका महत्व इम्पोर्टेंस वही है। तो दिव्यांग वोटर्स को लाने के लिए एक तो वोटर लिस्ट में उनका चिन्हीकरण किया गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया है और उनको हम इस बार पोस्टल वोटर के भी ऑप्शंस होंगे कि अगर वो चाहेंगे कि वो घर पर ही वोट देना चाहें तो उनके घर पर पोस्टल वोट भेजा जाएगा, वहाँ से दे सकते हैं, या पोलिंग बूथ पर आएंगे वहाँ पर भी रैंप आदि की व्यवस्था की जा रही है जिससे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको वोट का अधिकार का प्रयोग करने में किसी तरह कोई असुविधा न हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।